हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कुलदीप फौजी सीआरपीएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज जो है, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी खुशखबरी मिली है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। खुशखबरी है कि जो आपकी वैकेंसी थी पहले, अब उसमें जो है काफ़ी वैकेंसी बढ़ गई है। जो आप कुल मिलाकर जो आपकी वैकेंसी है वो जो है 46,600 पद हो गए हैं। तो अब जो है उन बच्चों को खुश हो जाना चाहिए जिनके नंबर एक दो नंबर कम थे। तो अब जो है मेरिट आपकी काफ़ी डाउन जाने वाली है और वैकेंसी मतलब इतनी बढ़ गई है कि आपका सिलेक्शन तो श्योर है। जिनके 120 प्लस थे उनका तो श्योर है, लेकिन 110 वाले भी अब जो है रनिंग की तैयारी कर लें। जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट थे उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अभी जानकारी मिली थी मुझे, लेकिन मैंने आपको दोपहर एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि वैकेंसी जो है मतलब इंक्रीज नहीं होगी। मैंने इस आधार पर बोला था क्योंकि एमएचए ने जो डाटा मांगा था, मैंने सोचा था कि जो नोटिस आ रहा है 2024 का तो उसमें ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि इसी में ऐड कर देते हैं, बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव में उनको काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा था, उन्होंने सोचा कि इसमें ऐड कर देंगे तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो अब आपका जो है रिजल्ट जल्दी आने ही वाला है, तो अब आप लोग जो है रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो और आप जो है अपना स्टेमिना पूरा लगा देना रनिंग में, जो फेल नहीं होना है रनिंग में बिल्कुल भी, जिनके 110 नंबर थे वो भी। तो ये जानकारी जो है अभी मिली है मुझे, मैंने सोचा अब बच्चों को काफ़ी खुशखबरी मतलब मिल गई है। क्योंकि पिछली बार वैकेंसी कम आई थी, आपको भी पता, तो थोड़ा मन में उदास रहती है, हाँ कट ऑफ हाई जाएगी, अब हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ एकदम लो ही जाएगी। आपकी लो जाएगी मतलब इतनी भी लो नहीं जाएगी, लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और 110 वाले के भी 125 30 तक पहुंच जाएगा स्कोर नॉर्मलाइजेशन से। काफ़ी नॉर्मलाइजेशन मिलता है एसएससी जीडी में। तो ये जानकारी जो है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना। और जो है ऐसे ही जानकारी मैं आपको देता रहूँगा चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना सभी लोग। सभी को जय हिंद, जय भारत।